यमुनानगर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यमुनानगर के शिष्टमंडल ने जिला उपायुक्त को दिए ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की थी कि पत्रकारों की पेंशन के नियमों का सरलीकरण किया जाए, ग्रामीण व छोटे समाचार पत्रों के पत्रकारों को भी मान्यता दी जाए तथा बीमा राशि 20 करोड़ करने के साथ साथ 200 गज के प्लॉट भी दिए जाएं। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की यमुनानगर इकाई द्वारा प्रधान राकेश भारती के नेतृत्व में जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को मांग पत्र सौंपा गया। उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र की पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन राशि 25,000 प्रति माह की जाए तथा पेंशन के नियमों को सरलीकरण किया जाए। जी बिल्कुल, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज जिला उपायुक्त से मिलकर एक अपना ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो हरियाणा के पत्रकारों को पेंशन दी जाती है मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, उसका सरलीकरण किया जाए, जो आयु सीमा है 60 वर्ष उसको घटाकर 50 वर्ष किया जाए, अनुभव 20 वर्ष का जो है उसको घटाकर 10 वर्ष किया जाए, और जो पेंशन दी जा रही है इस समय वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा 10,000 रुपए दी जा रही है, हमारी मांग है कम से कम 25,000 रुपए पेंशन दी जाए, और यदि किसी जो पेंशन प्राप्त पत्रकार है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को यह राशि दी जाए ताकि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। हमने जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अपील की है कि पत्रकार दिन रात अपनी और अपने परिवार की पीड़ा को दबाकर समाज की पीड़ा को उजागर करता है, इसलिए उसकी जो सुरक्षा बीमा योजना है उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 करोड़ रुपए किया जाए। इसके अलावा